सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 17 भी दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है। घर में मौजूद तमाम कंटेस्टेंट्स के बीच कभी प्यार तो कभी तकरार देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा तो अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन के बीच बात बात पर झगड़ा होता हुआ नजर आता है। वहीं लेटेस्ट एपिसोड में एक बार फिर अंकिता और विकी जैन एक टास्क के दौरान एक दूसरे से भिड़ गए हैं। इस दौरान पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस ने अपने पति को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि फैंस भी शॉक्ड हो गए। शो के लेटेस्ट एपिसोड में एक टास्क के दौरान अंकिता मुनव्वर की वकील बनी थी और वो नकली घटघड़े में खड़े स्टैंड अप कॉमेडियन के फेवर में केस लड़ रही थी, जबकि विक्की उनसे सवाल कर रहे थे। मॉक ट्रायल आयशा खान को लेकर हो रहा था। झगड़े के दौरान अंकिता ने अपना आपा खो दिया। दरअसल वायरल हो रहे क्लिप में अंकिता और विक्की को झगड़ते हुए देखा गया। इस दौरान बिग बॉस ने इंटरफेयर किया और विक्की से अंकिता को बोलने देने के लिए कहा। बिग बॉस ने विक्की से कहा कि उसे खेलने दो। इस पर विक्की सहमत हो गए और अंकिता ने बिग बॉस को थैंक यू किया। हालांकि विक्की ने अंकिता पर तंज कसते हुए फिर कहा कि बिग बॉस कहना चाह रहे हैं कि अपना गेम खेलना शुरू करो। इस पर बिग बॉस ने अपना रुख लिया किया और कहा कि अंकिता को मुनव्वर के साथ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी विक्की ने अंकिता को पोक करना बंद नहीं किया। इसके बाद अंकिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने विक्की को वार्निंग देते हुए कहा कि आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारी ही लड़ाई ना हो जाए और हमारा ही डिवोर्स केस ना चालू हो जाए। अंकिता की स्टेटमेंट को सुनकर बिग बॉस के घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट सभी हैरान रह गए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब अंकिता ने तलाक का मुद्दा उठाया हो। पिछले हफ्ते तीखी बहस के दौरान अंकिता ने तलाक की मांग कर दी थी।